गाय नहीं जाएगी, गाय जाएगी, गाय नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्या कह रहे हैं, ये छाती हीरों की नहीं है, ब्राह्मणों की है। हाँ, एक मेरी बात सुनो। सुना। अरे कब कब ब्राह्मण भय तलवरिया, कब कब गई ढाल तलवार, और कहे सदा द्वार के भिक्षुक घर घर मांगत हाथ पसार। ये धमकी मुझे मत, जो तुम्हारा काम है वो करो जाकर। एक बात बताऊ, महाराज ये जीवन संकट में समझिए शेर नहीं, और गाय पेटी गाते बड़ो आगे। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षक आज आगे बढ़े हैं, गाय को छोड़ने के लिए। जैसे ही आज जमदग्न ने जाकर के गाय को रोका, अही ने तलवार निकाली और महात्मा की खोपड़ी में मार दी। देखिए यादव ने ये भी न सोचा कि जिस साधु ने मेरा पूरी रात सत्कार किया, मैं साधु की गोदी में रणापा डाल के जा रहा हूं। गाय को लेकर के सहस्त्राबाहु अर्जुन चले गए। इधर रणपा अपने छाती में घूसा मार मार करके रोने लगी, जब छाती में घूसा मार मार के रोने लगी, परशुराम की समाधि खुल गई। परशुराम अपनी मैया के सामने पहुंचे और कहने लगे हैं, मां कौन है महारानी का पिता जिसने तेरी आंखों में आंसू डलवाए। और परशुराम क्या बोले मैया से, मां क्या बात है। कहने लगी है, बेटा सहस्त्राबाहु अर्जुन रात में यहां पे आई, गाय का चमत्कार देख करके तुम्हारे पूरे बाप को मार के चले गए। अच्छा, परशुराम कहने लगे, ओरी मां बात सुन, बात लौट कर ही होगी, धर दो।
पासुरा में जाकर के सहस्त्र बाहु अर्जुन को ललकारा और कहने लगे बोले अहिं की औलाद मैदान में निकल के आजा मेरे बाप के ऊपर जौहर दिखाने वाले। और इसी के बीच में 151 लोट और 51 किलो गेहूं नेपाल सिंह सनोप रामदास हीरापुर के हैं कथा में दान कर रहे हैं और 101 नोट भैया हमें ब्याज की पैसा मांग कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। सहस्त्रा बाबू जो निकल आया कितनी सेना लाया 11 छोड़ी एक छोड़ी कितने का होता है 2,18,700 का। सेना कितनी आई 11 छोड़ी लेकिन बाहरी ब्राह्मण को बीता पलस्त कर दिया। एक ही बार नहीं 21 बार धरती पर छत्रियों को नहीं रखा। ऐसे थे परशुराम बाहरी परशुराम और ब्रह्मचारी से भगवान भी डराते हैं और ताकत तो लंगोटी वाले डेगा है बेगल लंगोटी वाले तो खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। ऐसे थे परशुराम। श्री सुखदेव भी बता रहे हैं महाराज परीक्षित अब हम तुम्हारे सामने यदवंशियों की कथा कहने के लिए जा रहा हूं जिन यदवंशियों की कथा सुनकर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने कह रहा हूं भागवत का नम्मा स्कंद कह रहा है कि वर्यामा पुण्यम सर्व पापणाणां यदूर्वंशं राश्रित्वा शरः पाप प्रमोच्यति। कि जो यादवों की कथा सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग पीछे बदबू छोड़ा करते कि यादव को गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए लेकिन इनकी मैया ने दूध ही नहीं पिलाया ने सामने आकर के टक्कर ले यादव जाति के लिए कुछ भागवत के अंदर बड़े पावन शब्द दिए हैं। याते ज्येष्ठ पुत्र यदुर्वंशम नरशप नरशप किसी जाति के लिए नहीं आया मात्र यादव जाति के लिए। दिमाग रखना भाइयों लेकिन एक बात बताऊं भाई मेरी सुन ले जात अहीरो वृंदावन की शान तुम ही हो और मथुरा के मेहमान तुम ही हो और सब जातन में हीरो मेरी सुन ले जात अहीरो। बड़ा अच्छा लगा होगा लेकिन सेंध का विज्ञान तुम ही हो चोरी करवो पकड़ करवो कत्ल करवो मर्डर करवो चाम तुम बड़े होशियार सेंध का विज्ञान तुम ही हो और पुरुषों में शैतान तुम ही हो और बुद्धि में हो जीरो मेरी सुन ले जाओ दिमाग रखना भाइयों अगर बुद्धि में जीरो ना होते तो बताओ भैया भैया को हिस्सा के ऊपर मार देवे बताओ
दिमाग रखना। तो अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा,